नमस्कार किसान मित्रों, मेरा नाम है संजय और आज हम बात करेंगे भट्टी खाद किस तरह बनता है और भट्टी खाद के फायदे क्या हैं। हम जो भी खाद बाज़ार से लाते हैं, चाहे जैविक हो या केमिकल वाले हो, जैसे बाज़ार से जो केमिकल वाले आते हैं, DAP के नाम से जाना जाता है, NPK के नाम से जाना जाता है, SSP के नाम से जाता है, यानी तरह तरह के खाद आते हैं, वो एक्टिवेट फॉर्म में नहीं आते। उसको अगर हम डालते हैं तो करीबन 10 से 20 दिन उसको एक्टिवेट होने का टाइम लगता है। तो ये भट्टी खाद से आप एक्टिवेट करके आप आराम से खाद आप डालने से उसी दिन से काम करना चालू कर देगा। लेकिन उसको बनाने का प्रोसेस मैं बताता हूँ। एक तो रेसिडी फ्री फार्मिंग भी होगा और आपकी ज़मीन को नुकसान नहीं करेगा। जैसे अगर DAP डाल रहे हैं तो उसमें जो एसिड आता है वो रिलीज हो जाएगा, यानी कि बैक्टीरिया नहीं मरेंगे। इसी तरह आप जैविक के हिसाब से भी कर सकते हैं। हमें ये अभी पूरा जैविक बनाया, हम केमिकल वाली खाद की बात नहीं करेंगे, लेकिन वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि उससे जितना आप डाल रहे हर साल उससे आधा कर दो और उसमें मिक्स कर दो पूरा। जैसे ये कंपोस्ट खाद है, गोबर का खाद है और CVR टेक्निक से हमने 4 से 5 फीट गहराई वाली मिट्टी निकाली है, तो करीबन 200 kg के ऊपर डाली है। वैसे हमने ये जैविक खाद है, इसमें ये कंपोस्ट खाद भी आता है हमारे पास, ये सोइल बूस्टर के नाम से है नर्मदापुरम में। उसमें निम्बोलिका है, डिविलिया यानी एरिंडिका है, गन्ने का प्रेसमड़ है, गन्ने के प्रेसमड़ में से फॉस्फोरस और पोटास की पूर्ति करेगा दिवेली है, और निम्बोली उसमें नीम के जो पाउडर है वो उससे फंगस ख़त्म करेगी। दिवेले उसको NPK की पूर्ति करेगा, बोन पाउडर हड्डी पाउडर भी डाला है, यानी कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। इसी तरह हमने तीन से चार प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं, जैसे ओजोटा बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, ट्राइकोडर्मा है, वैसे ही टोबेको पाउडर है, ये फंगस को ख़त्म करेगा। गौमूत्र डाला है और उसका मॉइस्चर बना के ये भी एक उसमें बैक्टीरिया उसको कंपोस्ट करना चालू कर देगी। वैसे ही हमने ऑर्गेनिक में पोटास है, ये पोटास किससे बनता है, मोलेसिस से बनता है, और इसमें 14.5% यानी 14% से ऊपर ही उसका पोटास की आता है, ये जैविक में आता है। वैसे ही इसमें पूरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जिंक, फेरस, मैग्नीस, मॉलिब्डेनम, बोरान है, सुपर ह्यूमेट पोटेशियम भी है, यानी कि ये सबसे पावरफुल आता है, एमिनो एसिड है, सीवीड है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ये 10 प्रकार के कंटेंट के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं, ये 50 kg के फॉर्म में आते हैं। वैसे ही ये NPK भी है, ये कॉन्सेंट्रेटेड बैक्टीरिया से बनाए हुए NPK है, बायो में है, ये सब हमने इसमें मिक्स किया है। और भी एक लेयर आएगी, तो ये 3 से 4 दिन हम उसको अच्छी तरह से कवर करके ढक देंगे ताकि हवा अंदर की बाहर ना निकले। 4 से 5 दिन के बाद उसको खोल के खुला रहने दो। अगर आप नाइट्रोजन डालना है, यूरिया डालना चाहते हैं, तो थोड़ा कम डाल के उसमें डाल सकते हैं, कैल्शियम वगैरह जिस दिन डालना है उसी दिन, और आप गौमूत्र भी डाल सकते हैं, अलग अलग आप डाल के ये पूरा एक्टिवेट हो जाएगा और जो भी गैस है वो रिलीज हो जाएगी, दुर्गंध नहीं मारेगा। ये आप जैविक में भी बना सकते हैं और केमिकल से बने हुए खाद में भी आप रेसिडी फ्री के ऊपर जा सकते हैं, यानी कि नुकसान आपकी मिट्टी को नहीं करेगा। तो आप किसी को भी जानना है अधिक जानकारी के लिए हमने नंबर दिया ही हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। ये हुआ भट्टी खाद, और दूसरा भी पार्ट आएगा, पूरा प्रोसेस हम दिखाएंगे, दूसरे तरीके से भी हम 3 से 4 प्रकार के तरीके से भी बना सकते हैं। ये तो हमने ये खाद का इस्तेमाल किया, बिना खाद के भी हम बाज़ार से ला के क्या क्या डाल के बना सकते हैं, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बने रहे, और अच्छा लगे तो हमारा वीडियो शेयर करते रहे। धन्यवाद।